नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दोनों बहुत उदास रहते थे। वो अनेक मंदिरों में गए, मन्नतें मांगी, परंतु उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। उनके नगर में भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। संतान की कामना से रानी हर रोज वहां पूजा के लिए जाती थी। ईश्वर की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। परंतु पैदा होते ही वो बालक एक सांप बन गया। रानी की गर्भ से एक सर्प पैदा हुआ है, इस बात पर सब आश्चर्य करने लगे। राजा को कुछ सलाहकारों ने सलाह दी कि इस सपोले को घर में ना रखें, या तो इसे मार दें या इसे जंगल में छोड़ आएं। लेकिन ममता की मारी रानी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। राजा रानी ने बड़े यत्नों से उस नाग शिशु का लालन पालन किया। रानी उसका विशेष ध्यान रखती थी। धीरे धीरे वो सांप बड़ा हुआ और एक बड़ा नाग बन गया। अब रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। जब रानी ने राजा से ये बात कही तो राजा ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से विवाह की बात कही तो सबने मना कर दिया। बहू की तलाश में राजा दूसरे नगर अपने मित्र के घर पहुंचा। राजा को देख वो सेठ बहुत खुश हुआ और उससे आने का उद्देश्य पूछने लगा। तो राजा ने अपने पुत्र के लिए वधू की तलाश की सारी बात उसे कह दी। तो सेठ बोला, मित्र, तुम अपनी खोज को अब खत्म ही समझो। मेरी कन्या का मैं विवाह करना चाह रहा था। कब से उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। तुमने जिक्र किया तो मैं सोचता हूँ अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र से कर दूं। राजा बोला, तुम जल्दबाजी मत करो, पहले मेरे पुत्र को तो देख लो। तो सेठ बोला, इसमें देखना क्या है, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम मेरी कन्या को अपने साथ ही ले जाओ और अपने नगर में ही उसके फेरे करवा लेना। सेठ ने अपनी कन्या को बुलवाया और उसे राजा को सौंप दिया। कन्या अपने पिता की आज्ञा मानकर राजा के साथ उसके घर आ गई। महल में राजा रानी ने कन्या से कहा, बेटी, जानती हो हमारा बेटा कौन है? वो एक सर्प है। कन्या बोली, तो क्या हुआ? मेरे पिता ने मुझे ये आदेश देकर भेजा है कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूं। राजा ने धूमधाम से अपने बेटे सर्प का विवाह उस कन्या से कर दिया। विवाह के बाद वो कन्या अपने पति की हर आवश्यकता का ख्याल रखने लगी। एक दिन रात को किसी के कदमों की आहट सुनकर उसकी आंख खुली तो उसने अपने कमरे में एक युवक को देखा। उस युवक को देखकर वो डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। इतने में वो युवक बोला, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो बोली, मेरा पति तो एक सर्प है, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? युवक बोला, मैं वही सर्प हूँ, वो देखो। कक्ष के एक कोने में सर्प का मृत शरीर पड़ा था। युवक फिर बोला, पिछले जन्म में मैं गंधर्व था और तुम एक किन्नरी। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार हम एक वन में नृत्य और गायन करने लगे।
वहीं एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारे गायन से उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने हमें श्राप दे दिया, जिस वजह से मुझे सर्प का स्वरूप मिला है। इतने में कक्ष का दरवाजा खुला और राजा और रानी कक्ष में आए और युवक को गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, हमने सब सुन लिया है। हम खुश हैं कि तुमने अपना असल स्वरूप प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।